नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस ने शहर में चार मरला कॉलोनी के अंदर एक बने हुए बेसमेंट में छापा मारकर एक नग्न अवस्था में लड़की और लड़के को काबू किया। दोनों नशे की हालत में थे और दोनों युवक युवती को नागरिक अस्पताल में मेडिकल के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। इससे पहले भी हीरोइन की तस्करी में पकड़े गए थे दोनों युवक और युवती। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये दोनों युवक और युवती नशे की ओवरडोज लेकर के बेसमेंट में लेटे हुए थे, जिसके बाद में आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने दोनों लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। पकड़े गए दोनों नशे की हालत में थे और जिसके बाद में उनका मेडिकल नागरिक अस्पताल में करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। बेसमेंट में मिले दोनों युवक युवती आपराधिक रिकॉर्ड से भी बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस ने दोनों युवक युवती को हीरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। युवक चैन स्कैनिंग का भी काम करता है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट काफ़ी समय से बंद पड़ा था और इसी का फ़ायदा उठा करके ये दोनों रात को नशा लिया करते थे और ओवरडोज के चलते वहीं बेसुध हो गए, जिसके बाद पुलिस ने रेड की और दोनों को हिरासत में ले लिया। वहीं रेड के दौरान मौके पर लेडीज पुलिस ने युवती को कपड़े पहनाए और बाद में अस्पताल भिजवाया। आपको बता दें कि फतेहाबाद ज़िले में लगातार हीरोइन के नशे को लेकर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। हालांकि पुलिस अपने छोटे तस्करों को काबू कर अपनी पीठ जरूर थपथपा लेती है, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनके बच्चे नशा करते हैं। घरों में छोटी छोटी चोरी की आदतें बड़ी वारदात को अंजाम देनी शुरू कर देती हैं। अब तो लड़कियाँ भी नशा करने लगी हैं। आए दिन नए नए मामले रोज सामने आते हैं। इन युवाओं में ज़्यादातर मेडिकल नशा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। क्या पूरा मामला था जी और किस अवस्था में युवक युवती मिले? ये चार मरला कॉलोनी में बेसमेंट है, बेसमेंट नीचे खाली जगह है तो दुकान बंद पड़ी है, कहीं किराए पर तो नहीं है। तो हमें सूचना मिली पब्लिक की तरफ से, लड़का और लड़की दोनों नगर अवस्था में पड़े हैं, तो दोनों को उनके खिलाफ कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार दोनों के खिलाफ अभियोग अंकित किया जा रहा है। तो नशा वगैरह किया हुआ था इन्होंने? हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है नशा किया हुआ उन्होंने। पहले भी इनके खिलाफ कोई ऐसे मामले, कोई नशे के? कोई पहले भी इसके लड़के के खिलाफ दर्ज है, जिसने अच्छी का मुकदमा दर्ज है, स्मैक का भी दर्ज है, नशे का भी है, लड़के के खिलाफ भी है। लड़के के खिलाफ की चीज़ का है जी मामला? उसके खिलाफ भी यही है, उसके साथ ही पहले ये फतेहाबाद के दोनों। तो क्या कार्रवाई की जा रही है दोनों खिलाफ? अभियोग अंकित कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं सर जो पकड़े गए? कुछ नहीं, ये तो यही कह रहे हैं गलती होगी। तो कुछ सामान बरामद भी है? ऐसा कुछ सामान बरामद नहीं, दवाई तो बरामद हुई इनके पास। मामला दर्ज किया जा रहा है? हाँ, मामला दर्ज किया जा रहा है। तो इनकी उम्र वगैरह कितनी है सर? उम्र बालिग है ये दोनों। अच्छा।